नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सेशन 17-20-23 के आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोगों का सेकंड लिस्ट भी जारी होगा। जी हां दोस्तों, आप लोग बार बार जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमारा सेकंड लिस्ट जारी होगा कि नहीं होगा, इस पर इन्फॉर्मेशन बताइए, इस पर पूरी वीडियो बनाइए, तो दोस्तों आप लोगों का सेकंड लिस्ट जारी होगा। जी हाँ, इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिएगा, आपको बताऊंगा कि आपका सेकंड लिस्ट कब और कितने तारीख को जारी होने वाला है। तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहे। तो सो गाइस चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं जेपीयू में मात्र 30% सीटों पर ही नामांकन लिया गया है। जी हाँ, आप लोगों को बता दिया जाए कि 15 देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को 15 दिसंबर तक चलेगा नामांकन, लास्ट डेट कहा गया है, और यहाँ पर 17 दिसंबर से वर्ग संचालन का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, यह बड़ी इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं आप यह इस बात को ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। तो सो गाइस आपको बता दूं, मैं यहाँ पर जितने भी जेपी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जेपी विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्नातक पार्ट वन के नए 17-20-23 में नामांकन की रफ्तार एकदम धीमी हो गई है। जैसे कि आप लोगों को बहुत से स्टूडेंट्स को यह नहीं मालूम होगा कि मतलब रविवार को जो ये अभी आपका रविवार जो आया था इसमें भी एडमिशन हो रहा था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होगा कि रविवार को एडमिशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, पर आपका रविवार को भी नामांकन लिया जा रहा था, एडमिशन लिया जा रहा था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स नहीं गए होंगे, इसलिए बहुत मतलब कॉलेजों में धीमी सी मतलब रफ्तार चल रही है नामांकन की। ठीक है, तो इस वीडियो को जैसे कि आप लोगों को बता दूँ कि बहुत नामांकन की रफ्तार बहुत धीमी चल रही है विश्वविद्यालय की कॉलेजों में अब तक। जी हाँ दोस्तों, औसतन मात्र 30% मात्र 30% सीटों पर ही नामांकन हो पाया है, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक करीब है। 15 दिसंबर तक ये निकल कर लास्ट डेट रखा गया है नामांकन का। अब ये बताइए आप लोगों का, इतना ज़्यादा मतलब धीमी चल रही है नामांकन, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एडमिशन बहुत मतलब स्लो चल रहा है बहुत से कम स्टूडेंट्स का। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया वही स्टूडेंट्स जाके एडमिशन ले रहे हैं, जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया है वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो इसका चलिए कारण बताते हैं आपको, पूरी इन्फॉर्मेशन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला इन्फॉर्मेशन। दोस्तों विश्वविद्यालय प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक कई ऐसे कॉलेज हैं जहां रविवार को शाम तक मात्र 10% ही नामांकन हो पाया है। DSW प्रो डॉक्टर उदय शंकर ओझा ने बताया कि मेरिट लिस्ट के मुताबिक छात्र नामांकन ले रहे हैं। जी हां, डॉक्टर उदय शंकर ओझा ने बताया कि मेरिट लिस्ट के मुताबिक छात्र नामांकन ले रहे हैं, ये राइट है, बिल्कुल डिसीजन सही है। जिनका नाम मेधा सूची में नहीं आया है वे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब जिनका नाम मेधा सूची में नहीं आया वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमारा नामांकन होगा कि नहीं होगा। चलिए इसी पर बड़ी खबर लेकर आए हुए हैं, रिक्त सीटों पर ही 22 दिसंबर तक दूसरी मेधा सूची जारी की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को बता दिया जाए कि 22 दिसंबर को आप लोगों का दूसरी मेधा सूची जारी किया जाएगा। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है, गुड न्यूज है सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, सेकेंड लिस्ट तभी आपका जारी, सेकेंड लिस्ट तो जारी हो गई होगा, लेकिन सेकेंड लिस्ट में आपका नाम तभी आएगा जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। पूरा इस वीडियो को अंत तक बन रही है, मैं आपको बताता हूं क्या करना होगा दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम ले आने के लिए। आपको दूसरी मेरिट लिस्ट में अगर आप नाम चाहते हैं कि नाम मेरा आए तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी से संपर्क करना होगा। ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट्स को यह सूचना दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी से संपर्क करिए। देखिए यहां पर 22 दिसंबर को आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा, यहां पर आप देख सकते हैं 22 दिसंबर को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी जब जाइएगा तभी आपका दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वरना वो अपनी तरफ से जो भी गिने चुने छात्र को से जो सेकंड लिस्ट आपका जारी होगा वो गिने चुने छात्रों का ही लिस्ट में जारी कर देंगे नाम। मतलब यह है कि अगर आप यूनिवर्सिटी चले जाएंगे तो आपका नाम श्योर है कि आ जाएगा, पक्का ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाने के वक्त आपका एक आवेदन पत्र जो जब आपने आवेदन किया था उसका एक प्रिंट कॉपी ले लीजिएगा और इंटर का डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा कि ये होगा, उनको दिखा सकेंगे आप। ठीक है, कि आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से पार्ट वन के। ठीक है, सभी लोगों को ये सूचना दिया जा रहा है जितने भी सेशन 17-20-23 के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज आप लोग इतना काम करिए आप लोगों का सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर जो स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे तो फिर उनका भगवान भरोसे, मतलब ये है कि कोई भरोसा नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी स्टूडेंट्स को सूचना दिया जा रहा है, बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिएगा कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम। और जितने भी स्टूडेंट्स, यार एक बात और कहना चाहूंगा,
जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट, जैसे ज्वाइन का मतलब यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट नंबर सेंड करिए अपना नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज थ्रू, और नंबर सेंड कर दीजिए और अपना सेशन बता दीजिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। जेपी यूनिवर्सिटी से है तो नंबर सेंड करिए, सेशन बताइए और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। पल पल की अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह मिलता रहे। तो सो गाइज चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।